न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धनबाद बार एसोसिएशन के द्वारा महिला अधिवक्ताओं को किया गया सम्मानित। वहीं सम्मानित कर रहे धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि महिला हमारे बीच जो आज काम कर रही है यह बहुत बड़ी बात है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही। ऐसे में उन महिलाओं को सम्मान और उनके जज्बात को सलाम करते। धनबाद कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ताओं को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कुछ चंद दिनों में महिलाओं को देखते देखते बहुत सारी व्यवस्था दुरुस्त किया गया ताकि महिला अधिवक्ता भी अपने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कामकाज कर सके। वहीं महिला अधिवक्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बार एसोसिएशन के तरफ से काफी सारी व्यवस्था की गई वह काफी सराहनीय है। वहीं राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि आने वाले चुनाव में हमारी टक्कर भले किसी से भी हो, लेकिन हम चाहेंगे मेरे अगेंस्ट एक ऐसी महिला खड़ी हो जिसे जीत कर हमें भी नाज हो, धनबाद बार एसोसिएशन में एक मिसाल कायम हो। क्या नाम है? मेरा नाम सुधा मिश्रा। महिला दिवस को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के सम्मान के लिए आज हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। हमेशा से रहती है और सर हमेशा हम लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है बार में हम लोगों को तो एक चीज़ तो है कि सर हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग हमें जो हम लोग को बुलाए ये मान सम्मान दिए बहुत अच्छा लगा, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग को बहुत इंकरेज करते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं। कभी गोस्वामी जी से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, जब कभी किसी का भी प्रॉब्लम होता है गोस्वामी जी के पास हम लोग आ जाते हैं और अपना मन का बात करते हैं और वे तत्पर होके हम लोगों का सुनते हैं। और धनबाद बार एसोसिएशन के इस प्रांगण में मेरे सिरिस्ता में बड़ी खुशी और अपार हर्ष हो रही है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। सैकड़ों महिलाएं जो अधिवक्ता है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी हैं और दिन प्रतिदिन जो धनबाद में अधिवक्ता के रूप में महिलाएं हैं वे लोग निस्वार्थ भाव से, मैं कई बार देखा हूँ कि जब महिला लोग चलते रहती है रोती है तो ये लोग उनको गले लगा करके उन लोगों का न्यायिक रूप से उनको मदद करने के लिए काफी उत्प्रेरित रहती है, क्योंकि उसके दिल में ऐसा उबाल रहता है कि कोई भी नारी मैंने शक्ति भी नहीं है लेकिन वो अनछुआ नहीं रह जाए और उनको न्याय नहीं मिले, ऐसा बात धनबाद बार एसोसिएशन के माध्यम से जाना चाहिए कि उन लोगों के लिए महिलाएं जो अधिवक्ता है, पुरुष अधिवक्ता तो करते ही हैं, महिला लोग भी उनका सारा सार्थक कदम उठाएं और मदद करें। आज ये महिला दिवस विश्व में न्यूयॉर्क में वहाँ की महिलाओं के दिमाग की उपज है कि वहाँ उन लोगों ने सोचा कि महिलाओं के साथ जो काम करते थे ऑफिस में मजदूरी के रूप में उन लोगों का उतना सम्मान प्यार श्रद्धा उन लोगों को नहीं मिलता था, न काम के बारे में उन लोगों को कोई पारितोषिक दिया जाता था, तो उन्होंने जिहाद शुरू किया कि महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में लगता है 1908 में शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व की महिलाएं जागृत हुई। भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए उनको राजनीतिक क्षेत्र में, उनको अधिवक्ता के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में मान सम्मान और प्यार और उत्साह वर्धन देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। आज हम लोग आइए संकल्प लेते हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन में हम खुद बोलते हैं कि मेरे प्रेरणा से, हम गारंटी दे के बात बोल सकते हैं कि मेरे प्रेरणा से, उस समय मुझे इन सभी बातों की उतनी जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन जब चुनाव धनबाद बार एसोसिएशन में होता था तो मैं महिला अधिवक्ताओं से भी आग्रह करता था कि आप लोग चुनाव में आइए, अपनी भागीदारी दीजिए और महिला हित में और लिटिगेंट के हित में और पुरुष अधिवक्ताओं को भी आप उनको अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाइए और कीजिए। और हम जानते हैं कि जब भी किसी महिला का एक भी समस्या कुछ आता था मेरे प्रेसिडेंट होने के नाते तो वे लोग तुरंत महिला लोग दस्त आती थी, इनका काम तुरंत कीजिए, अभी कीजिए, तो इस तरह से जो पीड़ित महिला रहती थी उनको बहुत साहस मिलता था कि धनबाद बार एसोसिएशन में
महिलाओं के बाल मान और सम्मान के लिए यहाँ का एसोसिएशन सक्रिय रूप से काम कर रही है। आज थोड़ा सुखद बात इसलिए भी है कि हम मैंने मनाते थे धनबाद बार एसोसिएशन में, तो चूंकि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इनके मान और सम्मान को ध्यान में रख के मैंने चुनौती के साथ अपने श्रेष्ठता में ही इन लोगों को मान सम्मान श्रद्धा प्यार देने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया है।